दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी में। यहाँ ये देखो मेरे पीछे इसकी एंट्री है, यहीं से पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए इधर से एंट्री होती है। ये देखो इधर ये पुरी है, पूरा रोड। ये देखिए दोस्तों, ये पुरी में हैं हम, जगन्नाथ पुरी में। और ये मंदिर जाने का रास्ता है इधर से। भीड़ ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ा लंबा लगा रखा है इसको। देखो किस साइड से दिखाते हैं आपको। ये देखो ये पूरा कम से कम 2 किलोमीटर तक लगा हुआ है ऐसे टेंट। और आगे तो उसमें पूरा पंखे उनके एसी का भी सिस्टम है। तो अभी दिखाते हैं आपको इसके अंदर चलते हुए अपन। और मंदिर के अंदर तो जाने नहीं देते हैं, तो आपको बाहर से ही दिखाएंगे मंदिर को। तो चलिए हमारे साथ। हाँ तो दोस्तों देखो ये पंडाल लगा हुआ है। ये कम से कम 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उतना तो है क्योंकि हम दर्शन रात को ही करके आ गए हैं। तो मोबाइल अलाउ नहीं था तो हम कुछ नहीं लेके गए। तो अभी सुबह आपको दिखाने के लिए यहाँ दोबारा से जा रहे हैं। तो देखते रहिए, अब ये तो बहुत लंबा है, तो हम आपको आगे दिखाते हैं चल के। हाँ तो दोस्तों हम पंडाल से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि अब अंदर से एंट्री हो जाती है। तो मोबाइल वोबाइल से बाहर रखवा देते हैं। तो इधर देखो कितनी भीड़ है, ये सब जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ रहे हैं। देखो बहुत भीड़ है यहाँ पे, रात को भी बहुत भीड़ थी। हमको कम से कम 3 घंटा लग गया दर्शन करने में। हाँ तो दोस्तों देखो हम आ चुके हैं ये मंदिर के सामने। ये देखो जो दिख रहा है यही हमारे जगन्नाथ पुरी जी का मंदिर है। ये देखो और इधर ये सब इसी मंदिर के ही भाग है। इधर बहुत बड़ा मंदिर, अंदर से देखेंगे तो ये हमारे 4 धाम में से एक है। ये देखो यही मंदिर है, अंदर तो इसके जाने नहीं देते हैं फोन लेके। अभी आपको और थोड़ा आगे से दिखाते हैं। देखो दोस्तों यही मंदिर है और जो इसमें चक्कर लगा हुआ है ये हमेशा सीधा ही दिखता है। इधर से भी देखेंगे आपको ये सीधा ही दिखेगा। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमको लाइक करें, कमेंट करें और आगे कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।